subscribe, and turn your notifications on. FIR under section 502-B. Whoever publicizes any case of zina or rape whereby the identity of any woman or her family member is disclosed shall be punished with imprisonment which may extend to 6 months or with fine or both. So, rape or zina ke case pe agar koi किसी वुमेन की आइडेंटिटी और उसकी फैमिली की आइडेंटिटी को यू नो डिस्क्लोज करता है या इनके और उसको पब्लिश करता है, उसको दिखाता है और पब्लिश करता है इस तरह से उसकी फैमिली को लेके या उसको लेके, तो उसकी जो सज़ा होगी जो बंदा इस तरह से करेगा कहीं भी छाप सकता है, इंटरनेट पे, यू नो अखबार पे, किसी मैगजीन पे या कहीं भी वो कर रहा है, सही है, बोल रहा है, तो या बोल के या लिख के या पब्लिश करके कोई भी इस तरह से कर रहे हैं इस मैटर के अंदर, तो उसको 6 महीने की सजा होगी, साथ में फाइन होगा और दोनों चीजें हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड टर्न योर नोटिफिकेशंस ऑन।